ताबड़ू में सील क्लिनिक में जच्चा बच्चा की मृत्यु होने के बाद जागा स्वास्थ्य विभाग पुलिस मौजूदगी में किया गया। बता दें कि जनवरी माह में जांच के दौरान सील किए गए कक्षों को टूटी मिली सील। 4.5 घंटे तक निरीक्षण पूरा क्लिनिक सील। क्लिनिक संचालक के विरुद्ध पुलिस ने दी शिकायत। बता दें कि मेवात के नुहू मार्ग पचगांव बाईपास पर स्थित सील तस्लीमा क्लिनिक में जच्चा बच्चा की मौत मामला उजागर होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य विभाग की एक टीम क्लिनिक का निरीक्षण करने पहुंची। फिलहाल क्लिनिक को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। टीम ने पिछले दरवाजे से क्लिनिक में प्रवेश किया तो वहीं टीम की भनक लगते ही संचालिका अपने कर्मचारियों के साथ मौके से फरार हो गई। निरीक्षण के दौरान टीम को गत जनवरी माह में सील किए गए सभी कक्षों को सील टूटी मिली थी। पुलिस की मदद से स्वास्थ्य विभाग ने क्लिनिक में करीब 4.5 घंटे तक बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में ताबड़ू नायब तहसीलदार अरुणा चौहान मौजूद रहीं, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने डिप्टी CMO डॉक्टर आशीष के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए तस्लीमा क्लिनिक की संचालिका के खिलाफ शहर थाना पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि उपरोक्त क्लिनिक संचालिका का विवादों से गहरा नाता रहा है। इसके खिलाफ पूर्व में करीब 3 मुकदमे दर्ज हैं। सबसे पहले ताबड़ू के लखपत चौक पर इनके क्लिनिक की शुरुआत हुई, जिसके संबंध में शिकायत मिलने पर नाम बदलकर मदीना क्लिनिक चलाया गया। फिर उसको लेकर भी कुछ शिकायतें स्वास्थ्य विभाग में पहुंची, जिनके आधार पर पुलिस कार्रवाई हुई। फिर ताबड़ू के बाईपास पर तस्लीमा क्लिनिक के नाम से नया क्लिनिक नाम से शुरुआत हुई, लेकिन विवादों से नाता जारी रहा। बीते जनवरी माह में एक शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर क्लिनिक को 2 कक्षों को पूरी तरह से सील कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपी क्लिनिक संचालिका तस्लीमा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद जमानत मिलने के बाद कोर्ट और स्वास्थ्य विभाग के नियमों को धत्ता बताते हुए सील अस्पताल में उपचार शुरू कर दिया। बता दें कि लोगों का कहना है कि सील अस्पताल को दोबारा से चलने को लेकर स्वास्थ्य विभाग को अवगत कराया गया, लेकिन गंभीरता नहीं दिखाई। बीते 18 मार्च को एक जच्चा बच्चा की मृत्यु की बात सामने आई। जब पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं हुई तो मीडिया के माध्यम से मामले का खुलासा हुआ तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, जिस पर बृहस्पतिवार को टीम निरीक्षण कर पूरे क्लिनिक को ही सील कर दिया। आप देख रहे हैं ताबड़ू ब्यूरो रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर यक्ष टिलो, मैं चिकित्सक अधिकारी CSC ताबड़ू से हूं। सर आज स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई की गई है एक निजी हॉस्पिटल पर, जिसका नाम है तस्लीमा ट्रामा सेंटर। सर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? हमें गुप्त सूचना के आधार पर एक रिपोर्ट रिसीव हुई थी, उसमें सिविल सर्जन सर ने हमारी एक टीम गठित की है। आज उस टीम से हमें यहाँ पर मौके पर पहुंचा है तो हमें ये पाया गया है कि एक फीमेल और एक मेल पिछले दरवाजे से फरार हो चुके हैं, और हम जब पिछले रास्ते से अंदर जाके विजिट किया तो हमें जाके वहाँ पाया गया कि कुछ मेडिसिन्स हैं, कुछ रिकॉर्ड्स हैं और कुछ मशीन्स अवेलेबल पाई गई हैं, और जिसने हमें सील कर लिया है। और उसके बाद हमने उच्च अधिकारी को अपनी रिपोर्ट बना के भेज दी गई है, आगे कार्रवाई उच्च अधिकारी देखें। सर यह हॉस्पिटल पहले से ही सील हुआ पड़ा है और सीलें लगी हुई है, क्या सर इस दौरान सील टूटी पाई है? या इस दौरान अभी हम जब पहले सील किया गया था उसके बाद हमने इस मौके पे दोबारा सील को चेक किया तो वो सील टूटी हुई मिली है। सर क्या कुछ शिकायतें मिली थी? एक हमें शिकायत ये रिसीव हुई थी कि एक महिला और एक बच्चे का यहाँ से पेशेंट को रेफर किया गया था नल्लड़ में, वहाँ पर उनकी डेथ हो गई है, उसका बाद में पोस्टमार्टम नू में किया गया है। इसी शिकायत के आधार पे हमने एक सिविल सर्जन ने टीम गठित की थी, उस पे हमने मौके पे कार्रवाई की। सर क्या ये हॉस्पिटल है जो कि अवैध रूप से चलाया जा रहा है या फिर इसके पास कोई मान्यता है? ये हॉस्पिटल पूरी तरह से अवैध रूप से चलाया गया है। जो तस्लीमा डॉक्टर तस्लीमा के नाम से हमें विजिटर कार्ड्स मिले हैं उस पे डॉक्टर तस्लीमा के पास कोई डिग्री हमें नहीं, अभी तक कोई प्रूफ दिया गया, उस पे जो नंबर है हम उन पे संपर्क करना चाह रहे हैं तो कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है।